हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डे टू डे स्मार्ट कुकिंग। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो आज की रेसिपी है गोभी आलू की सब्जी, जो कि हम बनाना सी देखेंगे कि इसे कैसे बनाते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले हम इन्ग्रीडियंट्स को देखेंगे। इन्ग्रीडियंट्स के लिए हमें गोभी, आलू, मटर और एक बड़ा टमाटर हमें लेना है। और सबसे पहले हम गोभी को देखिए मैंने कट कर लिया है और मैंने आलू को अच्छे से धो लिया, इसे कट कर ले। आप अपने अकॉर्डिंग जो शेप आप देना चाहते हैं। और मटर को हम छील लेंगे। और सबसे पहले हम गोभी को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। इससे क्या होगा कि एक जो स्मेल होता है गोभी का वो हट जाएगा और ये खाने में बहुत टेस्टी रहेगा, और जो बैक्टीरिया होता है वो भी हट जाएगा। तो चलिए इस मसाले के लिए हम देखते हैं इंग्रेडिएंट्स की क्या ज़रूरत है। तो दो लहसुन हम लेंगे और एक अदरक का एक बड़ा टुकड़ा और हरी मिर्च और जीरा, इसे हम पीस लेंगे। इसका इन सभी का पेस्ट बना लेंगे। और जो धनिया पत्ता है इसे हम लास्ट में गार्निश करने के लिए लेंगे। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, उसमें हम पानी डालेंगे। एक गिलास पानी डालें, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसमें हम जो गोभी है इसे हम डाल देंगे और इसे 5 मिनट तक आप गर्म पानी में बॉयल कर ले। इसे इसका जो भी बैक्टीरिया होता है वो हट जाएगा और जो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा और जल्दी पक भी जाएगा। देखिए हल्का सा बॉयल हो चुका है, इसे हम पानी को छान लेंगे। अब फिर हम कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें हम 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सबसे पहले इसमें हम तेज पत्ता को डालेंगे, इसमें हम जीरा का फोरन देंगे। अब हम गोभी को अच्छे से देखिए ठंडे पानी से धो लिए हैं। अब इसे हम डाल देंगे गोभी को और हल्के से क्रंची होने तक, और बोल सकते हैं इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम सभी आलू को डाल देंगे, दोनों को अच्छे से फ्राई करेंगे। आलू को भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा क्रंची होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे, 2 चम्मच हल्दी डालें। अच्छे से इसे मिलाते हुए चलाते हुए पकाएंगे। अब इसमें हम जो मसाले तैयार किए थे इसे डाल देंगे। अच्छी तरह से मिला के इसे मसाले को पकाएंगे। अब इसमें हम चॉप टमाटर को इसमें हम डाल देंगे और साथ ही मटर को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें आप स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इस तरह से हम इसे रख देंगे ताकि अच्छे से गल जाए। 5 मिनट तक आप ढक दें। 5 मिनट के बाद इसे आप चलाएं। देखिए टमाटर पूरी तरह से गल गए हैं। इसे हाई फ्लेम में चलाते हुए पकाएंगे। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। ये मसाले हमारे पूरे अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब आप अपने ग्रेवी के अनुसार ज़्यादा या कम पानी डालें। इसमें हमने 1 कटोरा पानी डाला है। इसे और हम बस 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। देखिए यह हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है गोभी आलू की सब्जी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। सो फ्रेंड, ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसे हम लास्ट में धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे और आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ सर्व करें। खाने में बहुत ही टेस्टी है। और इसे आप लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय।